साथियों नमस्कार, मैं हूं एडवोकेट अशोक चौधरी। साथियों, आज अपन Q&A में मेरे पास काफ़ी सारे क्वेश्चंस आए थे, तो मैं कम से कम 10 क्वेश्चंस का आंसर वीडियो के माध्यम से, अपन ने ये नया फॉर्मूला स्टार्ट किया है, क्योंकि वही बात है, कमेंट में देंगे तो एक बंदे को आंसर मिलेगा, वही अगर वर्ड अपन वीडियो के माध्यम से देंगे तो ज़रूरी नहीं होता कि एक जो बंदा पूछ रहा है वो सबका क्वेश्चन, बहुत सारे लोगों के एक जैसे क्वेश्चन होते हैं, तो मैं क्वेश्चन के माध्यम से आपको आंसर दूंगा, 10 क्वेश्चन के आंसर दूंगा, तो मेरे हिसाब से कम मैं 1,000 लड़कों को एक साथ आंसर दे सकता हूँ, क्योंकि सेम सेम क्वेश्चन लगभग लोगों के होते हैं और उनको बार बार कॉल भी नहीं करना पड़े, इसलिए ये अपने सिस्टम स्टार्ट किया है। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। सबसे पहले ये साहिल मलिक हैं, इन्होंने पूछा है, सर दुबई में भी विजिट टू वर्क चलता है तो इसके बारे में बताइए। तो भाई साहिल जी, बात ऐसी है कि दुबई में विजिट टू वर्क बिल्कुल चलता है, लेकिन दुबई में मलेशिया जैसा माहौल नहीं है, ये बात नोट करना। दुबई का वीज़ा अगर आपका 3 महीने का है या 1 महीने का है, अगर उससे ऊपर जितने दिन रहोगे उतने दिन आपको पेनल्टी जमा करवानी होगी, वरना बहुत बड़ा लॉस आपको हो सकता है। और वहाँ पे जाके आप जॉब सर्च करके कंपनी से आप वीज़ा लगवा सकते हो, ये ऑप्शन है, लेकिन थोड़ा सा हार्ड है, हर वर्कर के लिए ऐसा संभव नहीं है। तो बेस्ट ये होगा कि आप जब भी अगर आप दुबई जाना चाहें तो परमिट लेके जाएं, तो आपके इंडिया से तो बेस्ट होगा। सनी हैंस जी पूछते हैं, सर मैंने वाइट पासपोर्ट बनाया था, न्यू ईयर में एक्सपायर हो जाएगा, तो क्या मैं क्या करूं सर, प्लीज़ हेल्प मी, कुछ बताओ। ये सनी जी बोल रहे हैं कि इन्होंने वाइट पास बनवाया था मलेशिया में, शायद इन्हें लिखा नहीं है लेकिन यही है, मलेशिया में बनवाया था, लेकिन पासपोर्ट बनवाने के बाद भी आए नहीं। तो एक बार नोट करना, वाइट पास जो आप मलेशिया में बनवाते हो उनकी 3 मंथ वैलिडिटी होती है, यानी आज अगर बनवा रहे हो तो आप 3 महीने तक कभी भी उस पासपोर्ट से आप इंडिया आ सकते हो। अगर वो एक्सपायर हो गया तो फिर उसको आपको दोबारा कंप्लेन करके रिन्यू करवाना पड़ेगा, वरना आपको एयरपोर्ट पे प्रॉब्लम हो सकती है, क्योंकि वो एक्सपायर हो जाता है। लिखा है लाइन बंदे हैं, उन्होंने पूछा है, सर मेरे पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा लगा हुआ है। तो भाई आपके पास पासपोर्ट नहीं है, वीज़ा लगा हुआ है, इसका मतलब ये है कि आपकी जिस कंपनी से आपका वीज़ा लगा हुआ है शायद A2A ही होगा, क्योंकि वही लोग ये काम करते हैं कि वीज़ा लगा हुआ है पासपोर्ट छोड़ के भाग जाते हैं। तो इसके लिए आपके पास कोई अल्टरनेट तो है नहीं, अगर आप जिस कंपनी में हो वहाँ आपका पासपोर्ट खो जाता है, या आप ओपन वर्क वीज़ा में हो फिर आपका पासपोर्ट खो जाता है, तो आप उसकी कंप्लेन करवा के दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हो, क्योंकि आपका पासपोर्ट ऑनलाइन होता है पूरा का पूरा रिकॉर्ड, क्योंकि आप उसमें वीज़ा लगा हुआ होता है, इसलिए आप दूसरा पासपोर्ट और वहाँ पे इंडियन एम्बेसी में अप्लाई करके दूसरा पासपोर्ट सेम टू सेम बन सकता है। लेकिन अभी अगर आप कंपनी छोड़ के भाग चुके हो तो कंपनी फिर आपको ब्लॉक लिस्ट में डाल देती है, तो आप दूसरा पासपोर्ट नहीं बनवा सकते। अगर आपकी जेब से गिरा है तो आप दूसरा पासपोर्ट बनवा सकते हैं, उसकी पासपोर्ट की कॉपी और वीज़ा का आपके पास फोटो कॉपी होना। अर्शदीप मासिल पूछते हैं, सर जी स्पेशल पास लगता है उसमें मेन पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो जाता है या नहीं? इनका पूछने का मतलब है, अगर आप स्पेशल पास लगवा के इंडिया आते हो तो क्या पासपोर्ट ब्लैक लिस्ट हो जाता है? तो भाई वो सिचुएशन पे डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम से आ रहे हो। सपोज करो आप 2 साल से आ रहे हो फिर स्पेशल पास लगवा के आ रहे हो, तो सीधी सी बात है इसमें दो ऑप्शन होते हैं, कि आप जितने टाइम से रहे हो उतना अगर आप जुर्माना जमा कर देते हो तो आप ब्लैक लिस्ट नहीं होगे, आप आराम से अब बिना ब्लैक लिस्ट के आ सकते हो, आप दोबारा भी जा सकते हो उसमें, यही ऑप्शन है। अगर आप जितने जैसे आपने 1 साल इलीगल रहे हो तो 1 साल की जितनी वहाँ की गवर्नमेंट की पेनल्टी है जुर्माना वो जमा करा के इस पास ले सकते हो, इसमें आपको फिर ब्लैक लिस्ट नहीं होगा। रजत सोई पूछते हैं, सर मेरे 26 की फ्लाइट है, कोई प्रॉब्लम तो नहीं होगी इमिग्रेशन में? तो रजत जी 26 तारीख की आपकी फ्लाइट है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन आपकी वीज़ा की कैटेगरी कौन सी है? A2A में शायद बंदे निकल जाते हैं, बाकी और भी जो जितनी भी कैटेगरी हैं नहीं निकल पाते, वो आपकी कंपनी में डिपेंड करेगा कि वो इमिग्रेशन क्लियरेंस करवाती है नहीं करवाती। मुझे तो ये लगता है कि 90% चांसेस आपके इंडिया वापस आने के हैं, बाकी 10% आप निकल भी सकते हो। आदिल सलमानी पूछते हैं, सर मैं मलेशिया में हूँ वर्क परमिट पे इंडिया, वर्क परमिट पर मैं इंडिया आना चाहता हूँ, मगर कंपनी पासपोर्ट नहीं दे रही है, क्या करूँ, बहुत परेशान हूँ। तो ये भाई आप पहली बात तो कौन से जॉब में हो, शायद A2A में हो, तो A2A में तो 1 साल का सिस्टम होता है, 2 साल का होता है कई कंपनियों में, तो वो अग्रीमेंट आपको पूरा करना होता है, वरना कंपनी आपको छुट्टी नहीं देती या फिर पासपोर्ट नहीं देती, ठीक है? तो ये रीज़न होता है। तो आप अपना जो जितना आपका अग्रीमेंट है वो पूरा करके आइए, अगर आप बीच में आना चाहते हो तो फिर वो आपको भाग के आना पड़ेगा, और वो या फिर कंपनी को अगर बीच में आते हो तो जितना उनका वीज़ा की फ़ीस होती है वो आपको हर्जाने के तौर पर जमा करवानी पड़ेगी, फिर आपको कंपनी पासपोर्ट देगी। तो बेस्ट यही है कि जितना आपका टारगेट था, जितना आपका अग्रीमेंट था वो पूरा करके इंडिया आओ, तो आपके लिए बेस्ट होगा। सुभाष बोर्डक जी बोल रहे हैं, सर मेरे दो फ्रेंड गए थे डायरेक्ट
पुत्र जाया इमिग्रेशन में, उनकी फ़ोटो हो गई और फिंगरप्रिंट हो गए। तो सुभाष जी बहुत अच्छी बात है, उनकी फ़ोटो हो गई, उनके फिंगर हो गए, इसका मतलब मैं मानता हूँ कि आपका काम 100% सही होगा। और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट ये करूँगा कि जब भी अगर आपका ये हो जाता है ओरिजिनल, और पासपोर्ट भी लाने के लिए लड़कों को ही भेजना है, आपके जो भी बंदे हैं वही लेके आएंगे, उससे ये पता लगेगा कि ओरिजिनल काम है। तो प्लीज़ आप लोगों की भी हेल्प करें ताकि उनको भी ये सुविधा मिल सके। सनी हंस बोलते हैं, सर मैंने वाइट पासपोर्ट बनाया था, न्यू ईयर में एक्सपायर हो जाएगा, तो प्लीज़ हेल्प। तो भाई एक्सपायर हो जाएगा नए पास, यानी आउट पास बन गया तो आपको इंडिया आना चाहिए। अगर एक नए साल में एक्सपायर हो जाएगा तो उसको दोबारा से आपको पासपोर्ट बनाना पड़ेगा, वरना एयरपोर्ट आप क्रॉस नहीं कर पाओगे, तो दूसरा उसी वाइट पास से दूसरा बन जाएगा, ठीक है। कमलेश भाट पूछते हैं, कनाडा का ड्राइव परमिट, ये शायद वर्क परमिट के बारे में बोल रहे हैं, कनाडा का ड्राइव परमिट 1,80,000 बोलता है एजेंट, क्या इसमें वर्क परमिट मिलता है तो कोई प्रॉब्लम तो नहीं? तो कमलेश भाटी जी, मैं आपको बता दूं कि 1,80,000 अगर कनाडा का मिलता होता ना, तो ये आप जो जितने लोग ये गल्फ कंट्री वगैरह जाते हैं ना, तो ये कनाडा में पासपोर्ट लेके और जिस ऑफिस से आप भेज रहे हो ना, जिस ऑफिस से आप जा रहे हो उसमें लाइन पे लगा के खड़े होते, जो नोटबंदी के टाइम खड़े थे ना एटीएम के बाहर, वैसे पासपोर्ट लेके खड़े होते 1,80,000 में। तो क्या मैं तो ये बोलूँ 8,00,000 में भी नहीं होगा कनाडा का काम? कहाँ वीज़ा पड़ा है मेरे भाई, ये तो सिर्फ बेवकूफ़ बनाने की बातें हैं, तो इसमें कोई दम नहीं है। और जहाँ हैं वो पैसे नहीं दिए तो मत देना, पासपोर्ट वापस ले लो, फ़ायदे में रहोगे। अरविंद कुमार गुप्ता जी कहते हैं, मैं भी मलेशिया आना चाहता हूँ, आप प्रेजेंट में हो तो बताओ कैसा रहेगा विजिट वीज़ा आने में? तो अरविंद जी मैं बता दूँ, मैं मलेशिया में नहीं हूँ, मैं इंडिया राजस्थान से हूँ, मैं यहीं रहता हूँ, मैं मलेशिया नहीं रहता। दूसरी बात, अगर आप विजिट टू वर्क घूमना चाहते हो, अगर घूमने के लिए जा रहे हो तो आपको कोई दिक्कत नहीं है फिलहाल, तो आप मत जाओ, दिसंबर बाद जाओगे तो बेस्ट होगा, क्योंकि इमिग्रेशन सख्त है, विजिट वालों को भी नहीं हो पा रहा उनका। और अगर आप ये सोच रहे हो कि विजिट टू वर्क में चला जाएं तो 100% मत जाना, जाके अगर जाओगे तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी। कुशिक सर जी, आप वीडियो में तो बोल रहे थे कि व्हाट्सएप पे मैसेज करो, मैं रिप्लाई करूँगा, 15 दिन से आपको मैसेज किया और आपका तो क्या मैसेज ही नहीं आया, झूठ तो मत बोला करो वीडियो में। तो ललित जी, पहली बात तो ये कि आपने ये वर्ड लिखे हैं, बहुत अच्छी बात है, 15 दिन पहले आपने मैसेज किया, ठीक है, तो यार आप भी थोड़ा बहुत समझदार हो कि आपके पास जिस भी किट, आपके पास मैं एग्जांपल देता हूँ, सिम कार्ड होता है, कस्टमर केयर अपने से पूरा अपने को पैसा देना पड़ता है, कस्टमर केयर पे कॉल करते हैं ना 50 पैसा मिनट का लगता है या 3 मिनट का लगता होगा, फिर भी अपनी वहाँ पर बात नहीं हो पाती, होती है तो आप मुझे कमेंट करना। और दूसरी बात मेरे भाई, मैसेज मेरे पास इतने आते हैं, कोशिश करके रिप्लाई देता हूँ, दोबारा कर लेते, अगर आपको ज़रूरत थी मेरे से जानने की तो आप 1 बार नहीं 10 बार करते, अगर ज़रूरत नहीं थी तो भाई मेरे को शौक नहीं आती, क्योंकि मेरे को नहीं तो आप पैसा देते हो, ठीक है, नहीं मलेशिया इमिग्रेशन देती है, नहीं इंडियन एम्बेसी मुझे तनख्वाह देती है, ठीक है, मैं तो अब मेरी मर्जी से आपकी हेल्प कर रहा हूँ, तो भाई ये शब्द लिखने की ज़रूरत आगे नहीं पड़ेगी, शायद आपको समझ गए होंगे मेरी बात को। गोपाल जी हैं वो पूछते हैं, सर ऑन अराइवल वीज़ा होता है क्या मलेशिया का? तो मेरे भाई, मलेशिया का ऑन अराइवल वीज़ा नहीं होता, ठीक है, इसका वीज़ा पहले से ही अपने को यहाँ पे लेना होता है एजेंट से, एजेंसी से, ठीक है। अनिल जी यादव बोल रहे हैं, सर मैंने सिविल डिप्लोमा 3 इयर्स कोर्स किया है, मेरे को मलेशिया कंस्ट्रक्शन में कौन सा जॉब मिलेगा, प्लीज़ रिप्लाई। अनिल यादव जी बोल रहे हैं, तो अनिल जी आपने सिविल डिप्लोमा बहुत किया, बहुत अच्छी बात है, आपके पास डिग्री है, तो आप मलेशिया अगर आप जाना चाहते हैं तो यहाँ से कंस्ट्रक्शन लाइन का वीज़ा लेके जाइए डायरेक्ट, ऐसा कोई वीज़ा मलेशिया का नहीं आता कि आपको सिविल इंजीनियरिंग बना के भेज दें, वहाँ जाके आप इंटरव्यू देके भी आप जॉब सर्च कर सकते हैं, या फिर अगर आप चाहते हैं कि आपके पास पैसा है तो यहाँ से आप DP-10 वीज़ा लेके जा सकते हैं, सेकंड कैटेगरी का, और वहाँ जाके आप इंटरव्यू देके कंपनी ज्वाइन कर सकते हैं, अच्छा पैकेज आपको इसमें मिल सकता है। प्यारेलाल बर्क जी पूछते हैं, सर आउट पास और टिकट का कितना खर्चा आएगा, टोटल इंडिया आने के लिए कितना लगेगा? तो भाई मेरे, टिकट और आउट पास का खर्चा मेरे हिसाब से, अगर पुराने वाले ड्रेस से अपन चलते हैं तो 450 रिंगिट आउट पास है, 10-12 हज़ार की टिकट है, 15-20 हज़ार में आप इंडिया आ सकते हो। बाकी अभी आउट पास खुलेंगे तो गवर्नमेंट नए नियम क्या लागू करती है इसका अपने को अभी तक पता नहीं है। तो साथियों, ये थे मेरे कुछ क्वेश्चन, और शायद आपको जो क्वेश्चन बताएं समझ में आ गए होंगे। अगर आप भी भाइयों के किसी का क्वेश्चन है तो आप कमेंट करें, मैं आपको आंसर दूंगा। और अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और शेयर ज़रूर कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें ताकि हर रोज़ आपको नए अपडेट मिलते रहें घर बैठे, जिससे आपके साथ कोई अनहोनी होने से बच सके। जय हिंद, वंदे मातरम।